नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। हाल में कोविड-19 से संक्रमित हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 30 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, मेरे पिता की बेहतर निगरानी के लिए डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारा परिवार आप सभी के सपोर्ट, समर्थन, प्रार्थना के लिए आभारी है। बता दें कि 2 मार्च को फारूक अब्दुल्ला को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी, लेकिन वैक्सीन लगवाने के 28 दिन बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पहले उन्होंने खुद को परिवार के सदस्यों के साथ होम क्वारंटीन किया था, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।